नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम कॉन्टेक्टर का कॉइल कनेक्शन करते हैं करके दिखाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल लाइन में कॉन्टेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें एक हीटर चलाना है, एक मोटर, कुछ भी कोई भी परफॉर्मेंस टास्क परफॉर्म करना है, किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करना है, तो उसमें हमारा कॉन्टेक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक छोटा पैनल हो, बहुत बड़ा पैनल हो, कुछ भी हम डिजाइन करें, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें हमें कॉन्टेक्टर नेसेसरी होता है। हम कॉन्टेक्टर लगाते ही लगाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम कॉन्टेक्टर का कॉइल कनेक्शन करते हैं, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए कॉन्टेक्टर है, उतना ही कॉन्टेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट उसका कॉइल है। क्योंकि बिना कॉन्टेक्टर के, कॉइल के, हम ना कॉन्टेक्टर ऑन कर सकते हैं ना ऑफ कर सकते हैं। मतलब कॉन्टेक्टर में कोई भी ऑन ऑफ का टॉस परफॉर्म करना होगा, हमें कॉइल यूज करना ही करना होगा, क्योंकि बिना कॉइल के हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड ऑन होल्ड नहीं होगा। तो कंडक्टर होल्ड ऑन होल्ड नहीं होगा तो फिर हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज हम करके देखते हैं कि हमारे कंडक्टर का कॉइल कैसे सेंड करते हैं। तो आई वीडियो में बने रहिए, और बाकी हमने एक वीडियो और अपलोड कर रखा है कंडक्टर के ऊपर की, इसके कॉइल कैसी होती है, होल्डिंग क्या होता है, तो उसका हम डिस्क्रिप्शन लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप वहाँ से कंडक्टर के बारे में वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, कुछ नया करते हैं और कुछ नया सीखते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास स्नाइडर कंपनी के LC1D09 कॉन्टेक्टर, रिले टाइप कॉन्टेक्टर है। तो हम इसका आपको कॉइल चेंज करके दिखाते हैं कि हम स्नाइडर के D09 का रिले कैसे, कॉइल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे लॉक होता है, एंड देन यहाँ पे हमारे दो लॉक बने होते हैं। तो हमारा ये कॉन्टेक्टर हमने ओपन कर दिया है। ये हमारा कॉन्टेक्टर का कॉयल है, और ये हमने यहाँ पर दूसरी कॉइल रख दी है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो एक कॉइल है अंदर से शॉर्ट होकर ख़राब हो रही है, और हमने नई कॉइल रख रखी है। तो अब हम इसको, हमारी जो पुरानी कॉइल ख़राब हो रखी है, इसको हम साइड में रख देंगे, इसको हमें चेंज करना है। ये हमने नई कॉइल यहाँ पे रिप्लेस कर दी इसके। हमने नई कॉइल डाल दी। ये हमारा स्प्रिंग है जो रिपल्सन के लिए यूज़ होता है कॉइल के, हमने इसके ऊपर इसको रिप्लेस कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कॉइल चेंज कर दी है। अब इसको हम ऑन ऑफ करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने आपको करके दिखाया है कि हम स्नाइडर के LD09 का कैसे कॉइल चेंज कर सकते हैं। तो आपका वीडियो जैसा भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर